सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि जोसा राउंड वन का आपका रिजल्ट आ गया है और हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज देख रहे होंगे, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आपको अब लॉग इन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए अपना अकाउंट लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं कोड डाल देता हूँ, ये हमने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद यार आपको कुछ कुछ ऐसा सा पेज दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब हम यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग वगैरह। इसमें आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आ जाना है अपने। तो जैसे ही यार आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिखा होगा। तो अभी इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब विलिंगनेस सबमिशन वगैरह, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे करने हैं और आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, चाहे अपलोड करें, फ्रीज करें या आप स्लाइड करें, ठीक है। अब हम चले अपना यहाँ पे यार सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे विलिंग सबमिशन लिखा हुआ है। अब रिजल्ट हम देख लेते हैं पहले। जैसे आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन है वो ब्लर हो जाएगी, लेकिन ये जो स्टूडेंट है इसको अभी तक IIT पटना मिली है और आने वाले राउंड्स में इससे बेटर इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर से देखें तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, आप चाहें तो अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रख सकते हैं। और अगर हम बात करें अब यहाँ पे विलिंगनेस सबमिशन पे क्लिक की, तो विलिंगनेस सबमिशन पे चलते हैं यार। तो जैसे यार हम विलिंगनेस सबमिशन पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज के, ओके। अब ये फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज क्या है, यहाँ पे अगर हम फ्लोट करते हैं तो हम सीट तो आपकी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगले राउंड्स में जाना चाहेंगे ताकि हमें और बेटर कॉलेजेस मिल सकें जो हमने ऊपर की चॉइस लिंक में भर रखे हैं, राइट। स्लाइड का मतलब है कि यार यही कॉलेज रखना है, लेकिन इसकी ऊपर की ब्रांचेस अगर हमें मिल सकती हैं तो मिल जाए अगर हमने चॉइस फिलिंग में भरी है तो, ठीक है। फ्रीज का मतलब कि यार हमें यही कॉलेज चाहिए और हम सीट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब हमें कॉलेज जाना है, ठीक है, बहुत जल्दी है हमें। तो यहाँ पर जैसे आप अपना करना चाहें कर लीजिएगा, अपन फ्लोट करेंगे। यहाँ पे अपन ने फ्लोट कर दिया है, राइट, और ये ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ आ गया है आपका। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे चलेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे। आपको चाहिए होगा क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आपको क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, किसी भी डॉक्टर वगैरह से आप बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिली आज की डेट में, तो अब क्या, अब यार अगले राउंड का वेट करो, शायद आपको आने वाले राउंड्स में सीट्स मिल जाएं, ठीक है। और घबराने की कोई बात नहीं है, अभी काफ़ी सारे राउंड्स बचे हैं, आपको भी सीट मिल जाएगी। तो ये था यार अभी तक, होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो फ्री स्लोट और स्लाइड का, ठीक है, और आपको क्या क्या करना है। इसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे सारे, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस में जाके आपको बस फीस पे करनी होगी अपना नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड वगैरह से, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पे जाके फीस अपनी सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद मत छोड़ना यार, ठीक है। अभी CSAP राउंड भी बाकी है अपना, राउंड 6 तक आपकी काउंसलिंग बाकी, अभी तो राउंड 1 का रिजल्ट आया है। अगले राउंड में जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको यही प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको सीट मिलेगी राउंड 2 में, तो मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, राउंड 2 में आपको सीट्स मिलेंगी तो आप फिर से यही फ्लोट या फीस जो भी आपको करना है आप करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और फीस दे सकते हैं, अगले राउंड में जा सकते हैं। राउंड 6 तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद CSAP में यार IITs नहीं बैठती हैं, ध्यान रखना। तो आप अपना जो राउंड 6 तक मिल रहा है उसको अगर आपको IIT में जाना तो ले लीजिएगा, CSAP राउंड में IIT नहीं मिलेगी। तो ये मत सोच लेना कि CSAP में IIT ले लेंगे, नहीं मिलती यार, ठीक है, क्योंकि उसमें चॉइस फिलिंग में आपकी सिर्फ NITs, GFTIs और IIIs ही आती हैं, राइट। तो आप उसी तरह से अपना देख के चले। और आपकी यार ये जो फीस है ये आपकी रिफंडेबल होती है, अगर आप मान लीजिए 6th राउंड तक जाते हैं और आपको कोई चॉइस पसंद नहीं आ रही है जो आपने पहले फिल करी थी, ठीक है, और आपको ऊपर वाली चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिली और आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप विड्रॉ करेंगे उसमें आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो जितनी भी आप फीस यहाँ पे सबमिट करेंगे वो कॉलेज की फीस में एडअप हो जाएगी, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं कि यार इतना फीस ले रहे हैं, ये सारी वापस हो जाएगी अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो, और अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की फीस में सारी की सारी फीस ऐड कर दी जाएगी, ओके। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम लाते रहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।